तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई टैक्स रिलेटेड और ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो अपने चैनल गाइड फॉर टेक में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो इसको बेल आइकन को जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यहां पर बाय करना चाह रहे हो Realme 2 Pro, पता है यार Realme यहां पर जो है वो बहुत ही अच्छे प्राइस में अपना स्मार्टफोन Realme 2 Pro लेकर आया है और वो काफ़ी ज़्यादा यहां पर लोग खरीदने वाले हैं उसे और काफ़ी ज़्यादा वो स्मार्टफोन बिकने वाला है। तो मैं यहां पर बताऊंगा कुछ मेरे ओपिनियन कि आपको कैसे खरीदना चाहिए सेल में, जिसका पहला सेल होने वाली है Realme 2 Pro की, तो आपको कैसे खरीदना चाहिए। एक छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा और बताऊंगा आपको, मतलब एक तरह से गाइड करूंगा कि अगर आप कैसे खरीदते हो तो आपके चांसेस वहां पर ज़्यादा हो जाते हैं Realme 2 Pro को बाई करने का। तो दोस्तों क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं Realme 2 Pro की, तो Realme 2 Pro बहुत ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है और जितने भी कस्टमर यहाँ पर होने वाले स्मार्टफोन के वो यही लेने वाले हैं, मतलब Realme 2 Pro को ही बाय करने वाले, क्योंकि वो यहाँ पर जो पैकेज प्रोवाइड कर रहा है 14,000 रुपये में वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ Realme 2 Pro से और काफ़ी से लोग खरीदने वाले हैं। तो ये भी यहाँ पर आप कभी कभी डर लगता है यार कि अगर मैं फ़ोन खरीदूंगा फर्स्ट सेल को तो क्या फ़ोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और आपको भी लग रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही बोला नहीं। जब आप खरीदने जाते हो कोई स्मार्टफोन और जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लाखों लोग खरीदने के लिए उसको लगे रहते और आपको जरूर से डर लगता है कि यार कहीं मिले या ना मिले, कहीं मतलब सब यूनिट जितने भी स्टॉक है वो सब यहाँ पर ख़त्म ना हो जाए, फिर वेट करना पड़े 1 वीक का सेल के लिए। तो मैं यहाँ पर जस्ट अपने ओपिनियन यहाँ पर दूंगा और कैसे मैं गाइड करूँगा यहाँ पर आप लोग कैसे बाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहली चीज़ है, मैं कुछ यहाँ पर देखा देखी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर देखा है, मैंने यहाँ पर जैसे बाई करता हूँ मैं फ्लैश सेल में, मैं आपको वैसे ही बताने वाला हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आपको Realme 2 Pro में बता दूँ कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि फ्लैश सेल होने वाली है या ये ओपन सेल है, तो मैं बता दूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि फ्लैश सेल होगी, लेकिन काम वैसा ही होने वाला है, फ्लैश सेल जैसा ही होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग खरीदेंगे तो यूनिट्स का ख़त्म हो जाएंगे, आप खरीद नहीं पाओगे तो पता भी नहीं चलेगा, तो फ्लैश सेल जैसा ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो सेल स्टार्ट हो रही है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, 11th अक्टूबर यहाँ पर शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इतने समय यहाँ पर ये सेल स्टार्ट होने वाली है जो कि Realme 2 Pro की। फ्लिपकार्ट पे यहाँ पर आपको ओनली ऑन फ्लिपकार्ट पे यहाँ पर आपको मिलेगा, स्पेसिफिकेशन आपको सब पता ही है तो बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये है कुछ यहाँ पर इसके सेल को लेकर कि ये सेल जो होने वाली वो यहाँ पर 11 अक्टूबर को होने वाली है, डेट टाइम मैंने यहाँ पर आप लोग को शो कर दिया है। अब बताता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आप बाय कर सकते हो। दोस्तों पहले अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदना है इसको तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगा, तो फ्लिपकार्ट पे पहले आपको ओपन करना है और पहले आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि फ्लिपकार्ट आप जो यूज़ करते हो आप उस आईडी से लॉग इन कर लो। मैं एक बार कहूँगा कि अगर आप यार लॉग इन कर लेते हो तो वहाँ पर लॉग इन करने का मतलब वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ता है, वरना फ़ोन जब आपका सेल पे आया तब आप लॉग इन कर रहे हो तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर आपका बर्बाद होता है। तो पहले आप लॉग इन करके अपने फ्लिपकार्ट पे अकाउंट पे रख लो, ये भी चेक कर लो कि फ्लिपकार्ट का जो यहाँ पर जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हैं तो वहाँ पर एड्रेस का यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप अपना एड्रेस भरिए, लैंडमार्क कहाँ आप रहते हो, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो सब आपका पहले से ही फिलअप हो, तो ये भी गौर कर लो, क्योंकि अगर वहाँ उस समय आप बाय नाउ पे क्लिक करके वहाँ फिलअप करने बैठे तो बहुत टाइम हो जाएगा और ऐसा भी कभी कभी होता है कि फ़ोन हाथ में मिल के भी छिन जाता है और आपका जो कार्ट में रहता है वो कुछ नहीं रह जाता है, तो वो भी ध्यान कर लो कि पहले से फ्लिप आपका फिलअप कर लो। पेमेंट मेथड को भी आप सेलेक्ट कर लो कि कौन सा मेथड आप करने वाले हो यहाँ पर, कैश ऑन डिलीवरी, और मैं ये भी कहूँगा कि ऑनलाइन यहाँ पर आपका जो पेमेंट मेथड है उसमें भी एक यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर ऑप्शन लेके चलो कि COD पे ही डिपेंड मत रहो, अलग से एक ऑप्शन लेके चलो और पहले से ही फिलअप कर लो पूरी डिटेल जो कि फ्लिपकार्ट के अपने खुद के अकाउंट में यहाँ पर होती है जो फ्लिपकार्ट वाले वहाँ पर मांगते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप यार जब भी ऑर्डर करो तो ये देखो कि यार मोबाइल पे आप फ़ोन को ऑर्डर मत करो, मोबाइल पे जितना हो सके यूज़ मत करो, डेस्कटॉप का ही यूज़ करो, वो काफ़ी इजी पड़ जाता है। और अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है तो अभी किसी दोस्त के यहाँ जाके कर लो या कैफ़े पे जाके कर लो, तो वहाँ पर
आप देख लो कि आप कैसे कर पाओगे जो आपको इजी पड़े, तो लैपटॉप लेके कर लो, अपने दोस्त का लेके चल कर लो। तो आप ये कोशिश करो कि यार मोबाइल से आप ना यहाँ पर ऑर्डर करें, थोड़ा सा वहाँ पर टफ हो जाता है मोबाइल में। मेरा जो यहाँ पर जो अदर यहाँ पर जो ट्रिक है वो ये है कि आप जब भी यहाँ पर Realme 2 Pro आप खरीदने जब फर्स्ट सेल में जाओगे, तो ये बात का यहाँ पर ध्यान रखो कि आपका जो भी यहाँ पर सेल का समय है उससे थोड़ा सा पहले यहाँ पर बैठ जाओ पीसी को ऑन करके। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आप जिस समय सेल होने वाली उस समय आप ऑन करोगे, अगर कुछ यहाँ पर समय लग गया तो यूनिट्स तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लोग पहले से ही बैठे रहते हैं 20-15 मिनट से। तो आप उस बात का भी यहाँ पर ख्याल रखें। जो यहाँ पर नेक्स्ट है वो यहाँ पर है कि आप जब भी यहाँ पर बाय करने जाएं तो इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर आपकी जगह यहाँ पर जो आता है बेस्ट, मतलब आपके एरिया में एयरटेल अच्छा चलता है तो एयरटेल रखो, जियो अच्छा चलता है तो जियो रखो, और इंटरनेट कनेक्शन आप जरूरी बात चेक कर लो कि कितनी स्पीड यहाँ पर आपको मिल रही है उस जगह पे जहाँ से आप ऑर्डर कर रहे हो। तो दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर आप एक बार चेक कर लो कि ज़्यादा आपको यहाँ पर पेज को लोड करने पे समय ना लगे, जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक मारो तुरंत पेज यहाँ पर ओपन हो जाए, तो इंटरनेट कनेक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल के आता है। बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा जो अदर यहाँ पर जो ट्रिक है वो ये है कि आप फ्लिपकार्ट को यहाँ पर ओपन करने के बाद जहाँ पर टाइमिंग चलती है उस पेज को ओपन करके रखें, और वहाँ पर ही बाय नाउ का ऑप्शन, जैसे वो समय होता है फ्लैश सेल, जैसे ही सेल का समय होता है जैसे ही सेल स्टार्ट होती है तो वहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, तो उसी पेज पे रहिए फ्लिपकार्ट पे, मतलब होम पेज पे, ऐसे पेज पे ना रहिए, उस पेज पे रहिए जहाँ पर टाइमिंग चलती रहती है। तो वो भी एक यहाँ पर अच्छी यहाँ पर ट्रिक निकल के आती है। जो लास्ट हमारी है वो ये है कि आप मतलब चलते मतलब व्हीकल पे आप बाय ना करें, मतलब जैसे कार के अंदर आप हो या चलती बाइक के ऊपर यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रहे हो, ट्रेन के अंदर हो तो ऐसा मत हो, या आप एक जगह मतलब जैसे कार से जा रहे हो तो रोक के यहाँ पर कर लेना, उससे भी इंटरनेट कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और अगर आप कंटिन्यूस मूविंग को यहाँ पर मूव करते रहोगे तो ऑर्डर नहीं हो पाएगा, मतलब कनेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, उस बात का भी ध्यान रखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जितने भी मैंने टिप्स बताए हैं वो बेस्ट हैं, इससे अच्छा यहाँ पर कोई नहीं बता सकता। और यह लास्ट में एक बात मैं जरूर कहूँगा कि यार जितने भी लोग कहते हैं कि एक्सटेंशन लगा के यहाँ पर ऑर्डर कर लो फ्लिपकार्ट पे, तो वो सब गलत है, वो मत यूज़ करना। जो अदर यहाँ पर जो ऑनलाइन ट्रिक्स होती हैं वो सब मत यूज़ करना, ये जेन्युइन ट्रिक्स मैं आप लोग को बताया हूँ, जो कि अगर आप यूज़ करते हो तो आपका यहाँ पर कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है, तो इसका ही यहाँ पर यूज़ करना। तो यह है मेरे कुछ गाइड करने का तरीका, जो कि है Realme 2 Pro आप कैसे सेल में बाय कर सकते हो। और दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि यार आप लोग के कुछ Realme 2 Pro को साथ कुछ सरप्राइज़ आप लोग के लिए लेकर आऊँ, कि Realme 2 Pro आपका कुछ गिव अवे यहाँ पर करूँ, और अब की बार कुछ अलग तरीके से गिव अवे करूँगा, तो कोशिश करता हूँ मैं। और दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल को, क्योंकि मैं इसमें रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।